हेलो स्टूडेंट्स आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन कने से टुडे वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज नंबर 12.2 पॉइंट टू ऑफ योर चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स दिस चैप्टर्स फ्रॉम योर टेन स्टैंडर्ड्स मैथमेटिक्स एन तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर वन फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस सिक्स सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज सिक्सटी डिग्री ओके सो रेडियस ऑफ सेक्टर आर इज इक्वल टू सिक्स सेंटीमीटर एंड एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थीटा बाय थ्री सिक्सटी सो ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विथ सिक्स मल्टीप्लाई विथ सिक्स मल्टीप्लाई विथ सिक्सटी अपॉन थ्री सिक्सटी तो ये फॉर्मूला है फॉर्मुला में वैल्यू डालिए और आंसर निकालिएगा कैलकुलेशन करके सिक्स सिक्स गेट कैंसल तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई विद सिक्स अपॉन सेवन गेट एटीन पॉइंट एटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वायर Find the area of the quadrant of a circle whose circumference is 22 cm. So let radius of the circle r circumference of the circle is equal to 2 pi r. According to the question, 2 pi r is equal to 22 cm. So 2 multiply with 22 upon 7 multiply with r is equal to 22. R ki value kapar 2 uh, 1 za 2 11 za 11 1 za 11 2 za सो सेवन बाई टू सेंटीमीटर यहाँ पर आ गई हमारी रेडियस सो देर फॉर एरिया ऑफ कॉर्डेंट ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ थीटा थ्री सिक्सटी सो वी गेट 90 अपॉन थ्री सिक्सटी यहाँ पर आ जाता है सो सेवन बाई टू यहाँ पर आ गया उसका स्क्वायर है देन स्टूडेंट्स uh, यहाँ पर देखिए टू वन जा टू इलेवन जा यहाँ पर आ गया ऐसे कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई सेवन अपॉन टू टू फोर सो वी गेट सेवेंटी सेवन बाई टू ओके सेवेंटी सेवन बाई एट यहाँ पर आ जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द कॉर्डेंट ऑफ सर्कल The next one the length of the minute hand of the clock is 14 cm i find the area swept by the minute hand in 5 minutes okay तो एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 60 मिनट्स इज इक्वल टू 360 डिग्री करेक्ट सो एंगल डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज हाउ मच इट्स अ थर्टी डिग्री ओके यहाँ पर 5 मिनट्स के बीच में कितना एंगल बनता है 30 डिग्री का बनता है देन 30 देन अगेन 30 एंड देन अगेन 30 सो वी गेट नाइन डिग्री एट अ थ्री ओ क्लॉक ओके सो एट अन ओ क्लॉक एट अ टू ओ क्लॉक एट ए थ्री ओ क्लॉक आपको पता होना चाहिए ए क्लॉक के एंगल्स भी ठीक है सो रिक्वायर्ड एरिया स्विप्ट बाय द मिनट हैंड इन फाइव मिनट्स इज इक्वल टू Area of the sector with radius r is equal to 14 centimeter and theta is equal to 30 degree. So pi r square theta upon 360 centimeter square, we get 51.33 centimeter square. A chord of a circle of a radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. Find the area of the corresponding first one minor segment, second one major segment. Use pi is equal to 3.14. So, here students, the area of the minor segment is equal to area of the sector OAPB minus area of the triangle AOB. Okay. So, we will area of the triangle, the area of the sector. Pehle padega. So, here pi r square theta by 360 minus 1 by 2 uh, r square multiply by sine theta. Okay. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए थ्री पॉइंट वन फोर मल्टीप्लाई विथ टेन मल्टीप्लाई विथ टेन मल्टीप्लाई विथ नाइन्टी अपॉन्ट थ्री सिक्सटी माइनस वन हाफ मल्टीप्लाई विथ टेन मल्टीप्लाई विथ टेन साइन नाइन्टी ठीक है सो वी गेट ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव इज इक्वल टू वी गेट टू हंड्रेड एंड एटी फाइव पॉइंट फाइव सेंटीमीटर स्क्वायर ओके आसान है है भी क्वेश्चन एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैसे फाइंड आउट किया एरिया ऑफ द सर्कल माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट चलो इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क आर्कमेंट एंगल ऑफ अ 60 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पोंडिंग कॉर्ड ओके सो रेडियस ऑफ द सर्कल आर इज इक्वल टू ट्वेंटी वन सेंटीमीटर एंगल ऑफ सेक्टर थीटा इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री लेंथ ऑफ द आर्क इज इक्वल टू थीटा बाय थ्री सिक्सटी मतलब मल्टीप्लाई विद टू तो 60 by 360 multiply with 2 multiply with 22 by 7 multiply with 21, so we get 22 centimeters. Area of the sector formed by the arc is equal to we get pi r square multiply with 3 theta by 360. So students 11 multiply with 21, we get 231 centimeters square. सो फ्रॉम द फिगर अगर हम यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर दें इस सर्कल के देखें यहाँ पर एंगल ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियो ऑफ द सेम सर्कल ठीक है सो एंगल ए इज इक्ल टू एंगल बी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद वन एटी माइनस सिक्सटी विगे सिक्सटी डिग्री सो एंगल ओ ए बी इज अ इक्वेलेटल ट्रा एंगल ट्राइंगल ओ ए बज अ इक्वेलेटल ट्रैगल यहाँ पर बन जाएगा ठीक है सर्कल वाले इन स्क्रेड वाला सो एरिया ऑफ द इक्वेलेटल ट्रैंगल ओ ए बी इज इक्कल टू रूट थ्री बाई फोर साइड स्क्वेयर हो जाता है सो देयर फोर एरिया ऑफ द इक्वेलेट्रल ट्राएंगल ओ ए बीज हमें मिला फोर फोर्टी वन root 3 by 4 so area of the segment uh, formed by the chord is equal to area of the sector minus area of the equilateral triangle 231 minus 441 in root uh, in root 3 by 4 a chord of a circle of a radius 15 centimeter subtends an angle of 60 degree uh, at the center find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle so use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73 so here radius of the circle 15 centimeter angle subtended by chord by the center is 60 degree so area of the sector pi r square pi r square theta by 360, कैलकुलेट करिए वैल्यू वी गेट 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द बाय रेडिया एंड कॉर्ड इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा। सो हियर स्टूडेंट्स हाफ मल्टीप्लाई विद्वेर मट्टीप्लाई विद्स डिग्री सो हाफ मल्टीप्लाई विद्टीन मल्टीप्लाई 15 रूट थ्री बाई टू सो विगेट नाइनटी सेवन सेंटीमीटर स्क्वेर सो एरिया ऑफ द माइनस सेगमेंट इज इक्ल टू एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय सो वन हंड्रेड सेवनटीन पॉइंट

a chord of a circle of a radius 12 cm substance an angle of 120 at the center find the area of the corresponding segment of the circle so use pi is equal to 3.14 and root 3 is equal to 1.73 so here students let ab uh, be a chord which substance and angle 120 degree at the center o of the circle area of the uh, segment acb is equal to area of the sector oacb minus area of the triangle oab so area of the sector oacb is equal to 120 Upon 360 multiplied with 3.14 multiplied with 12 ka square, so we get 150.72 centimeter square. So we draw OD perpendicular to AB. So angle OBD is equal to 180 minus in uh, bracket 90 plus 60. So we get 30. So now from triangle ODB, sine 30 is equal to OD by DB. So we get OD is equal to 6 centimeters. Also, cos 30 is equal to BD by OB. So, root 3 by 2. So, BD by 12. So, we get 12 root 3 by 2. So, BD is equal to 6 root 3 centimeters. So, AB is equal to twice of BD. टू मल्टीप्लाई विद सिक्स इन रूट थ्री सेंटीमीटर सो ट्वेल्व रूट थ्री यहाँ पर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई विद ए बी मल्टीप्लाई विद ओ डी सो हाफ मल्टीप्लाई विद ट्वेल्व रूट थ्री मल्टीप्लाई विद सिक्स इज इक्वल टू थर्टी सिक्स रूट थ्री सेंटीमीटर स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन वन टू थ्री वी गेट एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बन हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट सेवेंटी टू माइनस थर्टी सिक्स रूट थ्री जो 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल गया ओके हिस्स द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज 88.37 सेंटीमीटर स्क्वायर a horse is tied to a peg at the one corner of a square-shaped grass field of a side 15 meters by means of a 5-meter-long rope find the area of the uh, that part of the field in which the horse can graze and the, uh, the increase in a grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meters okay

बाकी कुछ नहीं किया तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया सो एरिया इंक्रीज कितना हुआ 78.5 एट पॉइंट फाइव माइनस नाइनटीन इज इक्वल टू फिफ्टी सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड द नेक्स्ट वन अब्रोच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन The form of a circle with the diameter 35 millimeters. The wire is also used in making 5 diameters, which divide the circle into 10 equal sectors as shown. The total length of the silver wire required and the two area of each sector of the brooch. Okay. So here length of silver wire required to make the perimeter of the circle. Uh, so that is circumference is equal to 2 pi r. So 2 multiply with 22 by 7, multiply with 35 by 2 millimeters. So 110 millimeters ya so length of the wire required to make 5 diameters. So 5 multiply with 35 is equal to 175 millimeters. So total length of silver wire required is equal to 110 plus 175. So we get 285 millimeters. Sector angle of each brooch is equal to theta is equal to 360 by 10, 36 mm. That the area of each sector of the brooch 1 upon 10 multiply with area of the circle. 1 upon 10 multiplied with pi r square is equal to 1 upon 10 multiplied with 22 by 7 multiplied with 35.2 uh, then multiplied with 35 by 2 millimeter square so therefore 385 by 4 millimeter square I may answer mila. then uh, an umbrella has 8 reefs uh, which are equally spaced uh, assuming umbrella, umbrella to be a flat circle of a radius 45 centimeters find the area between the two consecutive reefs on the अमरेला ठीक so, है सो यार देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल फोर्टी फाइव सेंटीमीटर है नंबर ऑफ रिवस यहाँ पर एट है सो सेंट्रल एंगल ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगा थ्री सिक्सटी बाई एट हो जाएगा तो वी गेट फोर्टी फाइव डिग्री मतलब एक यहाँ पर कितने का ये फोर्टी फाइव डिग्री का है सो एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिप्स यहाँ पर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ वन सेक्टर ऑफ द स सर्कल सो पायर स्क्वर थीटा बाय थ्री सिक्सटी सो ट्वेंटी टू बाई सेवन मल्टीप्लाई विद फोर्टी फाइव मल्टीप्लाई विद फोर्टी फाइव एंड फोर्टी फाइव डिग्री यहाँ पर अपन थ्री सिक्सटी सो वट वी गेट इलेवन मल्टीप्लाई विथ फोर्टी फाइव मट्टीप्लाई विथ नाइन मल्टीप्लाई विथ फाइव सेवन मल्टीप्लाई विद फोर by after the calculation so we get 22275 by 28 centimeters square a car has two wipers which do, uh, do not overlap Each wiper has a blade of a length 25 cm swing through an angle of 115. Find the total area clean at each sweep of the blades. Okay? देखिए यहाँ पर ये clean करते हुए यहाँ पर मतलब ये कितने का है हमें बताना है ओके okay? तो इसका area हमें पता करना है कैसे करेंगे area of the sector से तो theta कितना लेना है 115 लेना है कितना आसान है ना क्वेश्चन ये तो द ब्लेड ऑफ ईच वाइपर्स स्वीप्स इन द फॉर्म ऑफ द सेक्टर रेडियस 25 फाइव सेंटीमीटर्स तो वन वन फाइव अपॉन थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई विथ पाइव मल्टीप्लाई विथ ट्वेंटी फाइव का स्क्वायर सो वी गेट वन लैख फिफ्टी एट थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव अपॉन वन ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर स्क्वाओके अरे इसे डिवाइड आगे नहीं होता है तो आप यहां पर भी रखा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं ठीक है a waps uh, ships of uh, underwater rocks a lighthouse spreads a red color light cover over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers find the area of the sea over which the ships are worn okay so here students the angle of sector is equal to 80 degree distance cover 16.5 kilometers radius of the sector form is equal to 16.5 kilometers area of the sea cover which ships are worn तो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360. सो थ्री पॉइंट मल्टीप्लाई विद्स मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई विथ एटी डिग्री अपॉन थ्री सिक्सटी डिग्री ओके सो इज इक्वल टू बी गेट वन एटी नाइन पॉइंट सेवन किलोमीटर राउंड टेबल कवर हैज सिक्स इक्वल डिजाइन एज शोन यहां पर देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स द रेडियस ऑफ द कवर इज ट्वेंटी एट सेंटीमीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ पॉइंट थर्टी फाइव पर सेंटीमीटर कर ओके सब फर्स्ट वी नीड टू बी फाइंड आउट द एरिया फर्स्ट ओके सो दैट्स वाई थीटा यहाँ पर थ्री सिक्सटी बाई सिक्स मतलब सिक्सटी डिग्री यहाँ पर आ गया सो ट्राइंगल ओपी क्यू देखिए ओपी क्यू हमें यहाँ पर एरिया निकालना है सो स्टूडेंट्स ट्वेंटी एट सेंटीमीटर यहाँ पर दिया है साइड तो एरिया ऑफ द वन डिजाइन सेगमेंट्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ द सेक्टर ओ पी क्यू माइनस एरिया ऑफ द ट्राएंगल OPQ so we get so 60 by 360 multiply with pi multiply with 28 ka square minus in root 3 by 4 multiply with 28 ka square okay so 28 square multiply with pi by 6 minus root 3 by 4 so 28 square multiply with 22 by uh, 7 multiply with 6 minus 1.7 upon 4 okay so 28 square multiply with 11 by 21 minus 1.7 upon 4 so, we get student 77.47 centimeter square. So, total area of the six design segments is equal to 6 multiplied with 77.47. So, we get 464.82 centimeter square. So, therefore, cost of making the designs is rupees 464.82 multiplied with 0.35 is equal to 162.69 rupees. Okay. Take the correct answer in the following area of sector of angle P of a circle with a radius R is. Uh, पी अपन वन एटी मल्टीप्लाई टू पाई आर पी अपन वन एटी मल्टीप्लाई विथ पाई आर स्क्वेर पी अपॉन थ्री सिक्सटी मल्टीप्लाई विथ टू पाई आर पी अपॉन सेवन ट्वेंटी मल्टीप्लाई विथ टू पाई आर स्क्वेयर सो यर सेक्टर एंगल इज पी इन डिग्रीज रेडियस ऑफ द सर्कल इज आर सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेर पी अपॉन थ्री सिक्सटी मतलब पी अपन सेवन ट्वेंटी मल्टीप्लाई विथ टू पाई आर स्क्वेयर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर सो आई थिंक इस क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू